घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर पे है। नवंबर और दिसंबर, नवंबर के अंत और दिसंबर के शुरुआत में चुनाव की तारीख हो सकते हैं, चुनाव हो सकते हैं, और इसको लेके हालांकि चुनाव के जो तारीख है उसका तो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एक तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगभग चुनावी मोड में आज से नहीं कई दिनों से दिख रहे हैं और एक दूसरे पे हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी गुजरात पहुंचते हैं, पहुंच रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं, बार बार पहुंच रहे हैं, और वहां से वो मोदी सरकार पे नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी पे और अमित शाह पे हमला बोल रहे हैं। उधर अमित शाह अकेले नहीं बल्कि अपने मंत्री के साथ, अब योगी आदित्यनाथ के साथ राहुल के गढ़ में जा रहे हैं, अमेठी में, वहां से वो राहुल गांधी पे हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश भी जा रहे हैं, वहां पे भी उन्होंने जो घोषणाएं की है कर चुके हैं, एक सप्ताह पहले जाके कर चुके हैं। राहुल गांधी भी जाके वहां पे ये बता चुके हैं कि वहां पे वीरभद्र सिंह ही उनके साथ में अगर वो सरकार बनाते हैं तो मुख्यमंत्री होंगे। तो कुल मिलाकर के जो सियासी हलचल है वो तेज है, सियासी कसरत जो है वो तेज हो चुके हैं, और इस पूरे चीज को गुजरात का चुनाव और इसके साथ साथ हिमाचल के चुनाव परिणाम अगर आएंगे तो इसके क्या मायने हैं, इसकी क्या तैयारी है, यहाँ क्या रणनीति है, क्या नीति है, क्या मुद्दे हैं, और इस चुनाव को लेके जो कुछ हो रहा है उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान है पुष्पिंद कुलश्रेष्ठ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुनील चोपड़ा जी हैं सीपीएम के, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के चुनावी दौरे से, जो आज उन्होंने एक बार फिर वहां पे कीर्तन पूजा पाठ करने के बाद जो भाषण दिए हैं वो आपको हम दिखाते हैं। नर्मदा जी की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है, मोदी जी भाषण देते हैं, पानी की बात करते हैं, नर्मदा पास में है। छोटा सा सवाल, नरेंद्र मोदी जी ने नर्मदा का पानी आपको दिया? किसी को तो दिया होगा। आपका जो पानी है वो गुजरात के 5-10 उद्योगपतियों को उन्होंने दिया। आपकी जमीन छीनी, आपको कॉम्पेंसेशन नहीं दिया, आपको लाठी मारी, और फिर आपका पानी उठा के गुजरात के सबसे 5-10 अमीर लोगों को दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अजीब सी कहानी सुनी है, गुजरात में विकास को क्या हो गया, ये कैसे हुआ, ये कैसे कैसे हुआ, ये किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने गुजरात में विकास को पागल कर दिया। तो राहुल गांधी को सुन रहे थे, सीधा सीधा हमला बोल रहे थे, ये विकास को पागल कर दिया गया। कुल मिलाकर के जो रणनीति है, जो नीति है, जो सोच है, जो समझ है, इस तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पुष्पिंद, दो राज्यों के चुनाव होने हैं, इस चुनाव को लेके जो तैयारी है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमने देखा है 2014 के बाद से लगातार वो चुनावी मोड में ही रहते हैं, चुनावी मोड से अब तक वो बाहर नहीं निकले हैं, चाहे दिल्ली में हार हुई है, बिहार में हार हुई है, चाहे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचंड जीत मिली हो, लेकिन उनका मोड जो है वो चेंज, गियर चेंज नहीं कर रहे हैं, वो लगातार उस गियर में आगे ही जा रहे हैं, पीछे की तरफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह, उनकी टीम अमित शाह लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, ऐसे राज्य का दौरा कर रहे हैं जहां पर कि चुनाव नहीं भी, वहां पर भी जा रहे हैं एक तरह से, लेकिन पार्टी जो मशीन है उसको बिल्कुल एक्टिव, हाइपर एक्टिव बना के रखे हुए हैं। कुल मिलाकर के अगर हम इस वक्त इस दो चुनाव को देखें, जो चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव के बारे में जो कुछ तैयारियां चल रही है उसका आकलन आप किस तरह से कर रहे हैं? देखिए दिलीप, एक चीज हम ये भी समझें कि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये दो पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, और कैडर बेस्ड पार्टी के साथ में होता है कि उनका अपना कैडर उनको पता होता है, तो इसलिए वो उसको गैल्वनाइज भी करते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई कैडर नहीं है, फ्लोटिंग होता है, कास्ट का एक कॉम्बिनेशन आता है फिर दूसरा चला जाता है,
तो मैं ये कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो एक आरएसएस जो उनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसके स्वयं सेवक हैं, जो उसका कैडर है, भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक कमिटेड कैडर है, वो कंटिन्यूअस इलेक्शन मोड के लिए तैयार होता है। उनको कहीं से ढूंढने नहीं पड़ते लोग। बीजेपी के अलावा या कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा तमाम सारी पार्टियों में लोग आते हैं चले जाते हैं। इस सेंस में कहें कि कहीं बहुत हद तक अगर विचारधारा के साथ वो सही गलत वो एक बहस हो सकती है, वो कमिटमेंट होता है। बिल्कुल। अमित शाह आप देखें, आपको याद होगा जब दिल्ली में कुछ रिजल्ट यहां आ रहे थे तो वो वेस्ट बंगाल में अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे, वहां भी चुनाव नहीं होना है, केरल के अंदर वो जा रहे हैं, अब वो अमेठी चले गए हैं। तो हम ये कहें कि आज के डेट में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन टेम्परामेंट से, उस तैयारी से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का कैडर, उसके प्रेसिडेंट, यानी पार्टी और सरकार के बीच में तारतम्य इतना ही है जी। कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात जाते हैं और गुजरात जाकर के जो घोषणाएं करनी है, जो उद्घाटन करने हैं, वो कर दिए उन्होंने। अब उसके बाद में पार्टी उसको आगे ले जाएगी। और यह भी आपको पता है कि घोषणाएं और उद्घाटन होने के बाद जिस तरह से अचल कुमार ज्योति चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल गुजरात में साफ साफ कहा कि दिसंबर में चुनाव होंगे, तो हम ये माने कि यह सरकार के जो होती है उसको यह एडवांटेज होता है कि सरकार के बगैर इलेक्शन अनाउंस नहीं होता है जब तक चीजें तय ना हो। तो मुझे लगता है कि जितनी घोषणाएं होनी थी सरकार की तरफ से वो हो गई हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद वो नहीं हो सकती, तो ये एक एडवांटेज होता है। तो मैं समझता हूं कि जितनी घोषणाएं प्रधानमंत्री और उद्घाटन करके आए हैं उसके बाद अब तो होनी नहीं है, तो आज या कल में बताया जा रहा है कि चुनाव घोषित हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी यही स्थिति है। तो कांग्रेस के साथ संकट यह है कि राहुल गांधी दूसरा कोई लीडर नजर नहीं आता है हमके उनके पार्टी के लेवल के ऊपर। तो आप अगर तैयारियों के पॉइंट से कहें तो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एज है, उनके पास लोग हैं, वो बूथ पे जो लोगों को बैठना है, किसको गल्वनाइज करना है, कैंपेन कैसे होगी, वो जितने ऑर्गेनाइज और बटे हुए हैं वो उनको एक एडवांटेज है। अब रही बात कि दोनों में खासतौर से हिमाचल के अंदर जो कांग्रेस बीजेपी को जो एक एडवांटेज है, यह है कि इस वक्त वहां के मुख्यमंत्री यूपीए के जमाने के किसी घोटाले में और यूपीए के दौर में जो उनपे एफआईआर हुई है उसमें फंसे हुए हैं वो, और आज की डेट में कांग्रेस का भ्रष्टाचार और कांग्रेस ये सिनोनिम बनाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है लगातार। भ्रष्टाचार मतलब कांग्रेस, कोई नहीं कहता भ्रष्टाचार मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, कोई कहता ही नहीं इस बात को। तमाम विरोध कितना भी हो, दोनों में खूनंदेजी हो रही हो, लेकिन यह बात नहीं कोई कहता है। तो वहां एक एडवांटेज भी है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, कुछ कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े भी हैं, और वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री की घोषणा करने के बाद अब यह बिल्कुल तय हो गया कि वहां कांग्रेस पार्टी के लिए और मुश्किल हो गया। जहां तक गुजरात की आप बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात को फिर यह कहूंगा कि 20 साल के बाद कांग्रेस पार्टी को लगता है कि थोड़ा सा हम अटैकिंग मोड में हैं। ये बात अलग है कि जिस शंकर सिंह वाघेला जैसे बड़े लीडर को उन्होंने लिया और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक के चलते, राहुल गांधी से नाराजगी के चलते वो पार्टी से चले गए, तो उन्होंने अपना लीडर नहीं पैदा किया। आपको अगर संघ का ही लीडर चाहिए था, अगर संघ की भट्टी में से तबके आने वाले शंकर सिंह वाघेला के माध्यम से आप जीतना चाहते थे तो फिर आपकी विचारधारा का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब उनके पास कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं है जिससे वो लोगों को कनेक्ट कर सके। कुल मिलाकर के आप कह रहे हैं कि जो लड़ाई है, मैं जो जिस पे मैं वापस आता हूं, लेकिन सुनील चोपड़ा जी, गुजरात और हिमाचल दो ऐसे प्रदेश हैं जिसको इस वक्त अगर हम देखें पूरी सबकी नज़रें और सरकार खास करके और मुख्य विपक्ष कांग्रेस पार्टी वहां पे, हालांकि आपकी बहुत मजबूत वहां पे जनाधार आपके नहीं है, कुल मिलाकर के ये जो स्थिति है इसको कैसे आकलन कर रहे हैं इस चुनाव को लेकर, जो पूरी तैयारियाँ और जो हमलावर हो रहे हैं एक दूसरे पर। परिस्थितियां जो गुजरात की हैं, लोग पहले समझते थे कि गुजरात में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन करके बीजेपी स्वीप कर पाएगी अकेली। हम देख रहे हैं अब कि अहमद पटेल के चुनाव में सारे मंत्री आए, कुछ नहीं कर पाए। इसके साथ साथ हार्दिक पटेल का जो आंदोलन है वो अब आगे कैसे चलेगा, क्या होगा? स्थानीय ने कहा कि चुनाव में बीजेपी की चुनाव में भी जीत, कल भी परिणाम आया, वहां पे भी जीत हुई, इसको तो नहीं, वो तो है कल के परिणाम। लेकिन और तीसरी चीज है, दलित बहुत नाराज है मेवानी, और उसके अलावा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है जी। सो हम इस परिस्थिति में, और इसीलिए मैं देख रहा हूं कि बड़े ध्यान से उन्होंने किया है कि ये जो
गोधरा वाला केस था, उसमें किसी को फांसी नहीं दी गई। तो ये एक तरह से पता लग रहा है कि बीजेपी इज अंडर प्रेशर। ये जो दबाव है, ये दबाव अगले 3 महीने में कैसे चलता है वही बताएगा क्या होगा। दबाव में देखिए, नवंबर और दिसंबर में चुनाव होने, दिसंबर के पहले सप्ताह में चुनाव हो जाने हैं, बहुत कम समय बचे हैं। और लेकिन अभी असंतोष बहुत है। नहीं, मेरा ये सवाल है कि यहाँ पे जो लड़ाई है इस वक्त, इस लड़ाई की अहमियत क्या है, जो इतनी कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए क्या अहमियत आप देखते हैं? अहमियत तो 2019 है, ये 2019 से इसको आप जोड़ के देख रहे हैं। हाँ, नेचुरली। और इसका मोदी के माइंड में तो असेंबली इलेक्शंस और ऑल इंडिया इलेक्शन एक ही चीज है। नहीं नहीं, मेरा सवाल इनके नजरिया क्या है? क्या 2017 के चुनाव परिणाम से 2019 के चुनाव परिणाम प्रभावित होंगे? आप इसको प्रभावित तो होना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मली कांग्रेस स्टेट रही है ज्यादा, दूसरी बीजेपी ने कांग्रेस से ही छीनी, लेकिन उससे भी पहले बीजेपी के जो लीडर्स थे वो सब संघ के थे। तो ये दोनों एक दूसरे के जो गढ़ हैं उस पे दिखा रहे हैं कि 2019 में क्या होगा। जी चलिए, आपको हम दिखाते हैं। आपने राहुल गांधी को देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिमाचल गए तब उन्होंने जो बातें कही थी, कुछ अंश आपको हम उनका दिखाते हैं। हिमाचल में जमानती सरकार चल रही है, ये जमानती सरकार है तो मुझे कांग्रेस के लोग मिलने आए एक बार, ऐसे ही मेरी बात चली। मैंने कहा, यार ये आपके मुख्यमंत्री, उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार के मसले में जमानत में बाहर है, आप सीएम बदलते क्यों नहीं है, बदलते क्यों नहीं है? बोले, कैसे बदले, हमारी पूरी पार्टी जमानती है। कौन बदलेगा? बोले हमारे अध्यक्षा, वो भी नेशनल हेराल्ड कैड के भ्रष्टाचार के मसले पर जमानत पे है, उनके युवराज भी नेशनल हेराल्ड कैड भ्रष्टाचार के अंदर जमानत पे है। अब सब जमानत पे है, पार्टी भी जमानत पे, सरकार भी जमानत पे, भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पे। अब मुझे बताइए, हिमाचल को ये जमानती सरकार को अब जमानत देनी है कि नहीं देनी है? मुक्ति देनी है कि नहीं देनी है? ये कब तक जमानती सरकार को झेलोगे? आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना जो हिमाचल में उन्होंने कहा था, और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि विकास को पागल बना दिया गया है, वो भी आपने सुना। आपको हम आगे दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने क्या कहा है, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, सुदेश वर्मा जी। सुदेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुदेश जी, ये हिमाचल और गुजरात के चुनाव को क्या 2019 के पहले का एक रेफरेंडम के तौर पे आप भी देख रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में सुनील चोपड़ा जी कह रहे हैं कि ये 2019 का जो लोकसभा चुनाव होगा उससे पहले का एक ये रेफरेंडम है। देखिए सुनील चोपड़ा जी, ये हमारे जो बाकी क्रिटिक्स हैं, बाकी भी चाहेंगे कि ये रेफरेंडम बने, लेकिन आप अगर टेक्निकली बात करें तो रेफरेंडम नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो स्टेट के इश्यूज हैं वो डोमिनेट करते हैं, और जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो उस समय लोग प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट देते हैं, और उस समय आप देखेंगे कि हमारा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो हम स्वीप करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम अच्छा नहीं करेंगे, हम हिमाचल में भी अच्छा करेंगे, सरकार बनाएंगे, और गुजरात में भी हम 150 सीट से ज्यादा लाएंगे। ये एक हकीकत है चुनाव की, लेकिन उसके बाद भी इसको हम रेफरेंडम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम टेक्निकली गलत नहीं होना चाहते। और वैसे अपोजिशन जिस तरह भी चाहे, हम इसको वेलकम करते हैं। अगर अपोजिशन मान लेता है और 2019 में बोलता है कि नहीं, बीजेपी के खिलाफ हम कंटेस्ट नहीं करेंगे, अगर गुजरात और हिमाचल जीत जाती है बीजेपी, तो फिर ठीक है, ये चैलेंज करते हैं हम। सुदेश जी, राहुल गांधी जा रहे हैं, लगातार वो पूजा पाठ भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, और दो बातें कह रहे हैं
सबसे पहली बात जो वहां पे एक नैरेटिव, एक नया उन्होंने एक क्वाइन किया है कि विकास को पागल कर दिया गया है, विकास पगला गया है। देखिए दिलीप जी, एक नेगेटिव कैंपेन इन्होंने शुरू किया है, जबकि हम बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने आप में विकास है, क्योंकि हमारा है कि हर व्यक्ति को इम्पावर करिए, इतना इम्पावर कर दीजिए वो खुद अपने बढ़ोतरी के बारे में सोच सके, और गुजरात इसका एग्जाम्पल है और पूरे देश में भी वही हो रहा है। और वहां एक नैरेटिव लाते हैं कि विकास पागल है, क्योंकि इस तरह के नेगेटिव कैंपेन से देखिए आप अगर जानना चाहें 2007 में यही एक कैंपेन किए थे, इन्होंने बोल दिया था मौत का सौदागर, उसके बाद पता है क्या हो गया था। 2012 में आपको पता है कि केशुभाई पटेल खुद पार्टी बनाए थे, उसके बाद लड़े थे, सब सोचे कि पटेल हमारे खिलाफ वोट दे देगा, आप तुम नरेंद्र मोदी जी हारी गए, और कांग्रेस वहां पर एक हाउसिंग स्कीम लाई थी, लोग लाइन में लग गए थे कि हाउसिंग मिलने वाला है, लेकिन मोदी जी ने कहा था कि क्रेडिबिलिटी इनके पास नहीं है, और यही हुआ। इन सब के बावजूद भी कांग्रेस बुरी तरह हार गई। तो राहुल गांधी पहले बार कैंपेन थोड़ी ना कर रहे हैं, वहां सोनिया गांधी जी भी कैंपेन की, कैंपेन का समय सब लोग करें, लेकिन गुजरात में इनकी दाल नहीं गलने वाली और हिमाचल में भी नहीं गलने वाली, हम दोनों जगह भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। ये तो आप कह रहे हैं, मेरा जो सवाल था कि जिस तरह का नेगेटिव कैंपेन आप देख रहे हैं विकास को लेके, डेवलपमेंट को लेके, एक तरफ राहुल गांधी आप पे सीधा हमला कह रहे हैं कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक तरफ तो डेवलपमेंट का वो एक मजाक, एक नेगेटिव कैंपेन बना करके लोगों के बीच में ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम शहजादे और शाहजादा उसको भी लेके आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो उनकी रणनीति है, एक तरफ जो भ्रष्टाचार, दूसरा तरफ जो डेवलपमेंट, दोनों एजेंडे को अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पे लेके जा रहे हैं? देखिए कांग्रेस की बात गुजरात की कोई भी जनता नहीं मानेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आज से 15 साल पहले गुजरात क्या था। वहां सूखा हुआ करता था, वाटर रैश हुए हैं वहां पर, और आज वहां एक्वीफर अगर चार्ज हुआ है, पानी का लेवल ऊपर आया है, इसका पूरा क्रेडिट बीजेपी सरकार को जाता है, नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे उस एरा को जाता है। आपको पता होना चाहिए गुजरात में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा था मोदी जी के रेजिम में, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो नर्मदा सागर डैम का है कि पानी की अवेलेबिलिटी कराना, गुजरात ने वो खुशहाली देखी है जो पहले कभी नहीं देखी थी। गुजरात का हमेशा डबल डिजिट ग्रोथ रहा है और उस जो नेशनल ग्रोथ को कंट्रीब्यूट किया है, तो जब नाव में सब कुछ ठीक चलता रहता है तो उस नाव को कोई नहीं डुबाता है। उन्हें पता है कि ये इनके पास नेगेटिव एजेंडा है, ये क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी को हरा दो, ये नहीं बोल रहे कि हमें जिता दो क्योंकि हम गुजरात में ये करेंगे, ये बोल रहे हैं कि बीजेपी को हरा दो। नेगेटिव कैंपेन कभी भी काम नहीं करता है, और इसी कारण से हम बहुत निश्चिंत हैं। और अभी हम लोग कोई फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स नहीं है, केजरीवाल जैसा कि उड़ के चले गए और वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी की 6 महीने हमको दे दीजिए, 6 महीने हम विकास करके दिखा देते हैं आपको। सर हमने 70 साल दिया था, इन्होंने देश का क्या किया आपको पता है, ये तो इनके नाम से डरता है लोग। आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन पार्टी है, और बीजेपी ने पन्ना लेवल तक अपने मीटिंग कर ली हमारे अध्यक्ष जी ने। चुनाव हवा में नहीं जीता जाता, चुनाव के लिए काम करना पड़ता है, लोगों तक जाना पड़ता है। ये जितना भी इनको लग रहा होगा ना कि ये जितने इक्वेशन बना रहे हैं वो सारे इक्वेशन धरे के धरे रह जाएंगे। मेरा एक एक जो वो कह रहे हैं कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है 6 महीने, राहुल गांधी कह रहे हैं हमें दे दीजिए, हम आपको बेरोजगारी और एम्प्लॉयमेंट उस पर काम करके हम आपको दिखा देते हैं, तो कहीं ये जो पूरी लड़ाई है गुजरात और हिमाचल के बीच, वहां जो चुनाव होना है, चुनाव को लेके इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी का फोकस है वो राहुल गांधी और राहुल गांधी पर ही दिख रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, आपकी कौन सी रणनीति? राहुल गांधी कोई मुद्दा नहीं है। आप अमेठी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुदेश जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, आपकी केंद्रीय मंत्री, वहां के मुख्यमंत्री अमेठी में जाके लोगों को बताते हैं कि देखिए 3 पीढ़ी से यहाँ पे है, यहाँ विकास नहीं हुआ है। निश्चित ही देखिए जब बात सच्चाई की होगी, जब ये बोलेंगे 6 महीना दे दो, तो आप सोचिए कि हमने तो आपको 60-65 साल आपने राज्य किया देश में, आपने क्या किया अमेठी में 1980s के बाद से? अमेठी में रायबरेली में आपका ही राज्य रहा, वहाँ क्या डेवलपमेंट आपने कर दिया? तो आपकी तो पीढ़ी दर पीढ़ी डेवलप नहीं कर पाई, और राहुल गांधी जिनको भारत के बारे में समझ भी नहीं है वो कैसे डेवलप करेंगे? ये सब तो डिबेट का मुद्दा है। देखिए हर बार जब कैंपेन होता है इस तरह की बात करते हैं और कोशिश करते हैं। गुजरात की जनता बहुत समझदार है, हिमाचल की जनता बहुत समझदार है, कुछ नहीं होने वाला इनका। आप हम लोग फिर बात करेंगे ना चुनाव के बाद,
तो आप इसको कोट कर लीजिए जो मैं आज बोल रहा हूँ। लेकिन आपके दोनों एजेंडे पे तो साफ साफ हमला बोले, विकास पे भी और भ्रष्टाचार पे भी, और दोनों को लेके, एक तो विकास को कह रहे हैं पगला गया है गुजरात में, पगला दिया गया है, या और दूसरी तरफ वो जो कह रहे हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि आप इनके जो हमला है उसको किस तरह से, किस चीज से काउंटर करेंगे? नहीं, हमला तो हम मानते ही नहीं ना, ये जो बोल रहे हैं लोग मानते ही नहीं। हमला नहीं मानते हैं, लेकिन अमेठी जाके हमला कर रहे हैं आप। देश की जनता नहीं मानेगी, गुजरात की जनता नहीं मानेगी, हमें पता है ना, हम लोग डायरेक्ट लिंक है वहां पर, हमें कांग्रेस की जरूरत थोड़ी ना है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, मेरा तो सवाल बहुत साफ है कि चूंकि दोनों राज्यों में चुनाव है, नवंबर के आखिर में और दिसंबर में वहां चुनाव होने हैं, लगभग संकेत आ गए हैं चुनाव आयोग के तरफ से भी, और राहुल गांधी अब मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वहां भजन में बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, तो एक जो सॉफ्ट, आप सुदेश जी आप ये देखिए, राहुल गांधी भजन कीर्तन पूजा पाठ सब करने लगे हैं, तो वो आपका जो हार्ड जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसमें भी वो सेंध मार रहे हैं। दूसरा विकास को लेके जो कह रहे हैं और जो भ्रष्टाचार को लेके कह रहे हैं, तीनों जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत पक्ष है, उस तीनों में कोशिश कर रहे हैं, अपने तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको वहां पे न्यूट्रलाइज करें। दिलीप जी, अगर राहुल गांधी जी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी हुई डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पढ़ लेंगे ठीक से, तो वो भारत की तासीर को समझ पाएंगे, भारत की संस्कृति को समझ पाएंगे, और उसके बाद हर कण कण में वो शंकर देखेंगे। आखिर हमारी, हमने क्या ऐसा कर दिया जो मजबूर होकर सरदार पटेल के गांव जाना पड़ेगा? आप सोचिए तो सही, ये तो अच्छी बात है, अच्छी चीज सीखें, लोगों के बीच में जाएं, अपने आप को सक्षम बनाएं। हम तो चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, कुछ आइडियोलॉजी के साथ आए। लेकिन आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आप बहुत गंभीरता से लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे, लेकिन अमेठी में जाके आप पूरी तरह से उनके ऊपर केंद्रित हमला भी कर रहे हैं, दोनों चीजें हैं, इस दोनों के बीच में क्या संदेश दे रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत का जो हमारा संकल्प है वो पूरा तभी होगा जब अमेठी और रायबरेली से भी कांग्रेस साफ होगी, और आपको पता है वहां के निकाय चुनाव जो हुए हैं वहां के रिजल्ट्स क्या रहे हैं, हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में पता है, और निश्चित ही वो अपने किले को ही नहीं बचा पाएंगे जब अमेठी और रायबरेली बनी रहेंगे, तो फिर इनको खुद समझना पड़ेगा कि इनकी गलती कहाँ हुई है। जी चलिए, अभी तो फिलहाल बहुत सारे कांग्रेस युक्त भाजपा बनाने के लिए भी बहुत जगह पे हमने देखा, उत्तराखंड में आप कांग्रेस मुक्त करने के चक्कर में भाजपा को कांग्रेस युक्त कुछ जगह पे बना दे रहे हैं। मैं फिलहाल आपको धन्यवाद देता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। हम बात कर रहे हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर, जिस तरह से राजनीतिक हमला, खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पे लगातार हमलावर हो रहे हैं। राहुल गांधी गुजरात में और वहां पहुंच के अब वो पूजा पाठ कीर्तन भजन और इस तमाम चीज़ों के बाद वो भ्रष्टाचार और विकास पर हमला बोल रहे हैं। आपको हमने दिखाया प्रधानमंत्री के भी भाषण के अंश को दिखाया, आपको हमने राहुल गांधी जो आज कह के गए वो भी दिखाया, अब आपको दिखाते हैं अमित शाह किस तरह से हमलावर हैं राहुल गांधी पे। मैं कांग्रेस के शहजादे श्री राहुल गांधी को भी पूछना चाहता हूं, तीन तीन पीढ़ियों तक आपको अमेठी की जनता को ने वोट दिया, आप हमारे 3 साल के हिसाब मांगते हो राहुल बाबा? मोदी जी ने 3 साल में क्या किया? तो राहुल गांधी के जो बयान है वो लगातार हमला, डेली लगभग मुझे लगता है अगर हम एक सप्ताह में देखें, आज ये उनके 3 दिन के दौरे का 3रा दिन था, वो जाके वहाँ पे हमलावर हो रहे हैं, कह रहे हैं विकास को पागल बना दिया गया है, जो वो बात कह रहे हैं अवधेश जी, और अमित शाह और मोदी ने मिलके पागल बनाया है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी को लेके आप अमित शाह का बयान सुन चुके हैं, इससे पहले प्रधानमंत्री गए थे, वो हमने पहले दिखाया कि किस तरह से हिमाचल में उन्होंने कहा कि जमानती पार्टी जमानती मुख्यमंत्री जमानती सरकार राज्य में है।
कुल मिलाकर के ऐसी क्या खास बात है जो सुनील चोपड़ा जी कह रहे हैं, चूंकि ये दोनों चुनाव जो परिणाम होंगे ये 2019 के लिए एक प्री रेफरेंडम के तौर पे देखा जा सकता है, आप भी इसको रेफरेंडम के तौर पे देख रहे हैं, क्या यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा ले लगा रही है? देखिए, सोशल मीडिया पर किसी ने लिख दिया विकास बागला थयो छे भाई कि विकसवा पगला गया है, तो वो उसी का जो है इस वो चारों तरफ ये आवाज चल रही है। देखिए, गुजरात का चुनाव नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे 2002 से लेकर के और 2012 तक कांग्रेस के लिए भी और देश के लिए भी ऐसा लगता था जैसे करो या मरो का चुनाव है। कांग्रेस चूंकि अकेले वहां भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से टकराने वाली पार्टी थी, इसलिए देश भर के जो सेकुलरवादी थे, जो वामपंथी थे, जो समाजवादी थे, जो भी पार्टियां थी, उन सब की कोशिश होती थी और मीडिया में भी वैसे लोगों की एक संख्या थी जो उसको हराया जाए और उस चुनाव को एक युद्ध की चुनाव सामान्यतः एक अहिंसक युद्ध की तरह ही लोकतंत्र में होता है, लेकिन उस चुनाव को वाकई एक युद्ध में परिणत किया जाता रहा है। मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा उसको ज्यादा और करने की कोशिश इसलिए हो रही है, किधर से कोशिश हो रही है, क्योंकि वो अभी विपक्ष की ओर से कि नरेंद्र मोदी केंद्र में आ चुके हैं तो अब ये गुजरात उनका चुकी जगह है, अभी लगातार वो चुनाव जीते हैं तो गुजरात में अगर उनको धक्का पहुंचा दिया जाए तो ये बहुत बड़ा मैसेज इससे जाएगा और इसका असर 2019 पर पड़ सकता है। तो मैं इसको 2019 का कोई विधानसभा चुनाव लोकसभा का रेफरेंडम होता नहीं है, क्योंकि 2000 का आपको अच्छी तरह याद है कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा चुनाव दिसंबर में जीती थी, उसके बाद जल्दी से लोकसभा चुनाव करा ली थी बीजेपी और चुनाव हार गई थी, उसके बाद लोकसभा चुनाव, तो वो रेफरेंडम नहीं होता है। लेकिन ये एक कोशिश हो रही है, भारतीय जनता पार्टी भी इसको 2019 के गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव तो लड़ ही रही है, लेकिन साथ ही साथ उसका ध्यान 2019 पर है और उसकी नजर इस पर है कि अगर अमेठी से हम राहुल गांधी को पराजित कर देते हैं, अमेठी पर इसलिए केंद्रित करो कि अमेठी से अगर राहुल गांधी को पराजित कर देते हैं तो कांग्रेस मुक्त करने का जो हमारा लक्ष्य है उसके बाद वो लगभग खत्म हो जाएगा। अगर राहुल गांधी ही चुनाव हार गए तो फिर नेतृत्व पर एक बड़ा प्रश्न उठेगा और कांग्रेस में टूट फूट हो सकती है और कांग्रेस खत्म भी हो सकती है। तो इसीलिए ये दोनों तरफ से इस समय एक रणनीति और पड़ा रणनीति हम देख रहे हैं दोनों ओर से। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो राहुल गांधी के 2 दौरे हुए हैं सप्ताह भर में, 3 दिनों का दौरा था उसके बाद फिर 3 दिनों का दौरा है, इस बीच में नरेंद्र मोदी का 2 दिनों का दौरा वहां हुआ है। अगर आप देखेंगे तो दोनों दौरों में मौलिक अंतर आपको दिखाई देगा। नरेंद्र मोदी के दौरे में जो जनता का उत्साह, जो लोगों का एक 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 हुंकार, लोगों का अब अपने आप उठ के आना, लोगों का पहुंचना, उनके भाषणों पर प्रतिक्रियाएं जो देखने को मिली है उसमें और राहुल गांधी की सभाओं में बहुत जमीन आसमान का अंतर सीधा सीधा पर्यवेक्षक के तौर पर दिखाई दे रहा है। जो एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे अगर इसे देखा जाए, इस चुनाव को लेके जो तैयारी है, जो हमलावर है, जो शब्दावली है, जो जिस तरह के जुमले आप कहें सियासी जुमले भी हम देख पा रहे हैं, और जो एक रणनीति में इन सबको अगर छोड़ दिया जाए, पार्टी के रणनीति को हम देखें, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में रह चीजों को पे और नरेंद्र मोदी हो रही है, हम देखें कि रणनीति वक्त क्या है समझने का प्रयास कर रहे हैं। और वो हमारा कार्यक्रम का जो आज मूल है जिसमें कि राहुल गांधी अब मंदिर में जा रहे हैं, भजन में बैठ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये एक सॉफ्ट हिंदुत्व, एक हिंदुत्व जो कांग्रेस हमेशा से जब भी उनको इस तरह का संकट आता है, जब संकट में तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि कांग्रेस में हम देखते हैं कि पूजा पाठ, उससे पहले हम नहीं देख पाते हैं इन चीज़ों को। अब जाके सार्वजनिक रूप से अगर आप जाते हैं, आपकी शुरुआत करते हैं कि चलिए मंदिर चलिए, फिर भजन करते हैं, भजन करके वहां पे हम उस जगह से जहां नरेंद्र मोदी की भी कभी यात्रा की शुरुआत होती है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रणनीति का हिस्सा आपको दिख रहा है या एक स्वाभाविक सा चुनाव प्रचार का एक? नहीं नहीं, स्वाभाविक चुनाव प्रचार नहीं है। देखिए, 2012 का चुनाव भी सोनिया गांधी ने एक मंदिर से शुरू की थी
और 2003 में जो खासकर मध्य प्रदेश का चुनाव था उसमें कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का ही खेल खेला था दिग्विजय सिंह। आज भले वो बन रहे हैं सेकुलरिज्म, चाहे वो कुंभ को नासिक कुंभ को लेकर हो, उज्जैन के और बाकी लेकर हो, और पूरा वो साधु संतों से भी मिल रहे थे और ये खेल खेल खेला था। राहुल गांधी जब पिछली बार के दौरे में थे वो 5 मंदिरों में गए थे और राजकोट में 1000 सीढ़ियां चढ़ के वो जो है वो जो वैष्णो माता का वहां मंदिर है वहां गए थे, और एक जगह वो जो गुजरात का दांडिया होता है वहां उन्होंने भाग लिया था। देखिए कांग्रेस के बारे में जो 2014 के चुनाव के बाद जो एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट थी, यद्यपि वो सार्वजनिक नहीं हुई है, वो सोनिया गांधी के पास पड़ी हुई है, लेकिन उसका एक स्वर ये जो बाहर निकल के आया जिसमें उसमें कहा गया है कि कांग्रेस की छवि चूंकि मुसलमान समर्थकों की बन गई थी, हिंदू उससे नाराज हो गए थे, इसलिए कांग्रेस की ऐसी बुरी पराजय हुई। तो उसका अर्थ यह है कि कुछ ऐसे किया जाए कि हम केवल मुसलमान समर्थक न कहलाएं, हम हिंदुत्व के प्रति हमारे अंदर भी यह भाव है। लेकिन नहीं, लेकिन यह रणनीति कांग्रेस की सफल नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस एक सीमा से ज्यादा हिंदुत्व पर नहीं जा सकती है। कांग्रेस ये खुल के नहीं कह सकती है कि अयोध्या में विवादित स्थल पर श्री राम का मंदिर बने। भारतीय जनता पार्टी मंदिर बनाए या नहीं बनाए वो इस बात को बोल सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की यह रणनीति भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हिंदुत्व की रणनीति सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि सेकुलरवाद का जो हिचक है उसके अंदर उसको लेके वो खुल के हिंदुत्व का खेल नहीं खेल सकती है। चलिए पुष्पन जी, तीन तीन मूल रूप से अगर हम देखें चुनाव में जो मुद्दे होते हैं, कुछ ना कुछ जो स्थानीय मुद्दों को हम छोड़ दिया जाए, जो एक नैरेटिव ये किया जाता है उसमें एक सबसे बड़ा एक छोटा सा किस्सा जो आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इन चीज़ों का कास्ट तमाम चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, जो अवधेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो इस वक्त राहुल गांधी की जो रणनीति है कि आप मंदिर में जाइए, भजन करिए, कीर्तन करिए, ये तो आप कर लेते हैं, लेकिन इससे आपका जो एंटनी कमेटी का रिपोर्ट का वो हवाला दे रहे हैं कि जिसमें ये कहा गया कि कांग्रेस टिल्टेड टुवर्ड्स मुस्लिम दिखता है, तो उस छवि को क्या इस रणनीति से राहुल गांधी ठीक कर पाएंगे? क्या उनकी जो प्रो मुस्लिम या अपीजमेंट पर जो भारतीय जनता पार्टी उनके आरोप लगाती है, अपीजमेंट ऑफ सर्टेन ग्रुप, उसको तोड़ पाएंगे? देखिए ये जो अवधेश जी ने जो हवाला दिया ना एक एक एंटोनी कमेटी का, ये कब बनी थी? ये 2012 की बात है मैं समझता हूँ शायद अवधेश जी, जब 2014 उसके बाद की बात, लेकिन 2012 में जब वो चुनाव जिस वक्त यूपी का हुआ था उस वक्त की बात भी थी, और 2014 के बाद से कई चुनाव हो चुके, बिहार का चुनाव हो चुका, दिल्ली का हो चुका, कई राज्यों का हो चुका, लोकसभा का के होने के बाद भी कई चुनाव हो चुके। आप इसको सॉफ्ट हिंदुत्व का मामला आप मीडिया में कह सकते हैं। सबको पता है कि इनसे पहले इनके पिताजी के बारे में भी यही कहा गया था, जब बूटा सिंह के माध्यम से आपने शिलान्यास कराने की बात कही गई थी और वहां तय हो रहा था कि किसी तरीके से एक वहां शिलान्यास करा के मंदिर की बात को आगे बढ़ा दिया जाए, उससे लेकर के अब तक जो बात अवधेश जी ने कहा कि सोनिया गांधी भी मंदिर जाती हैं, तो मुझे लगता है कि 100 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज को चली वाली बात है। अगर हिंदुत्व का कार्ड खेलना, वही मैं कर रहा हूं, पिच जहां डिविएट होगी, अगर इस देश में सेकुलरिज्म का कोई खिलाड़ी है, चाहे वो गलत है सही है, तो कांग्रेस का कोई उससे मुकाबला नहीं कर सकता। वो अपने सेकुलरिज्म के लिए पाकिस्तान तक चली जाती है, वो अपने सेकुलरिज्म के लिए रोहिंग्या मुसलमानों को बचाने चली जाती है, वो 370 तक चली जाती है, वो आतंकवाद को भी कमर्नलाइज कर देती है, लेकिन हिंदुत्व का अगर खेल कोई करेगा तो उससे बीजेपी से बढ़िया कोई उस पर नहीं खेल सकता है। अगर पिच चेंज करने की कोशिश की दोनों पार्टियों ने, अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि जो बात अभी जो चोपड़ा साहब ने कही, जबकि मैं नहीं मानता कि किसी हाईकोर्ट का फैसला किसी सरकार से मुतासिर होता है, कि अगर आप मस्जिद में जाएंगे और अब आप सॉफ्ट बात करने लगेंगे, अब आप किसी तरीके से इस बात पे चुप रहेंगे, उस बात पे नहीं बोलेंगे, अगर दोनों ने पिच बदली तो दोनों मुंह के बल गिरेंगे। दो ही खिलाड़ी है, इससे खिलाड़ी दोनों राज्यों में नहीं है, दोनों पिच नहीं बदल सकते। अगर जो तय हो चुका, अगर राहुल गांधी बदल रहे हैं, नहीं, राहुल गांधी कई बार बदल चुके हैं, कपड़े बदलने से उससे फायदा नहीं होगा, उससे नहीं फायदा इसलिए होगा कि उससे बड़ा खिलाड़ी मौजूद है भाई। जब तेंदुलकर मौजूद है तो फिर भाई आप उस बेचारे उस बॉलर को क्यों लगा रहे हैं जिसका उसको बैटिंग करना नहीं आती है। ये अपनी पिच पे जमे रहे, ये जब जब पिच चेंज करते हैं तब तक ये और औंधे मुंह करते हैं। इसलिए एंटोनी कमेटी ने जो बात कही है जिसको शायद अवधेश जी कहना चाहते हैं, उसमें लिखा है कि हम दिन रात मुसलमान 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 करते रहे, इससे
कांग्रेस पार्टी एंटी हिंदू नजर आई। इस सब के बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है तिलक लगाने से, टोपी और भजन कीर्तन करने से, तो नरेंद्र मोदी से बढ़िया भजन नहीं गा सकते, नरेंद्र मोदी से बढ़िया श्लोक नहीं बोल सकते। तो तिलक लगाने से और जामा मस्जिद के जाने से वोट अगर कांग्रेस को मिलना होता तो ये 44 पे नहीं होती। चलिए चलिए, बहुत बहुत छोटा सा कमेंट, ब्रेक पे जाना है। चोपड़ा जी, ये जो नैरेटिव्स, एक नए छवि गढ़ने की प्रयास हो रही है या नए तरह से हमले किए जा, इसके पीछे दो चीजें हैं। पहली चीज है कि जो अर्थव्यवस्था गिर रही है, ये भले 5.7% 6.7% की बात कर रहे हैं GDP की, असली फिगर्स पुराने तरीके से 3.7% पे आ गए। दूसरी चीज है बेरोजगारी जो बढ़ी। तीसरी चीज है किसानों के जो बुरा हाल हो गया है, क्योंकि ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हो रही हैं उन्होंने किसानी को बर्बाद कर दिया। चौथी चीज ये है कि जो दलित और मुसलमान पे हमले हुए हैं बीजेपी के, मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी के लोगों से, ये इनके गोरक्षक और जो अन्य हिंदू महासभा टाइप हैं उन्होंने जो कार्य किए हैं उसका भी नतीजा निकलेगा। तो ये लड़ाई अब एक तरफ से अर्थव्यवस्था पे चलेगी, लेकिन वहां पे तो ये तो एक लाइन आप जी, ये तमाम सारी चीजें बिहार में टेस्ट हो चुकी और फिर उसका उत्तर प्रदेश का चुनाव, गुजरात बिहार नहीं है, नहीं नहीं, लेकिन गुजराती बिहारी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो क्लियर स्वीप हुआ, उत्तर प्रदेश ये जो नए नहीं वहां पर नैरेटिव चलेंगे, क्योंकि इधर ये दोनों लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नहीं नहीं, एक चीज और, नहीं नहीं, वो लास्ट चीज है कि भ्रष्टाचार में अब बीजेपी बची नहीं रही है। अगर वो शहजादा है तो ये शाहजादा है, ये भी है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेके, खास करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के आज गुजरात में, उन्होंने पहले पूजा पाठ करके फिर उन्होंने अमित शाह और मोदी पे हमला बोले, और मोदी जी के जो पूरे जो टीम है, खास करके अमित शाह, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ को हमने देखा था, अमेठी में जाके उन्होंने राहुल गांधी को घेरा। दूसरी तरफ राहुल गांधी जाके उन्होंने हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह को उन्होंने आगे रखा कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यही मुख्यमंत्री बनेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही लड़ने की कोशिश हो रही है। हालांकि कलेक्टिव नेतृत्व की, एक सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं, और हमारे मेहमानों को आपने सुना। अवधेश जी, गुजरात के साथ साथ हम हिमाचल को देखते हैं, हालांकि छोटा राज्य है लेकिन इसका भी महत्व है। यहाँ पे जो लड़ाई है और जो गुजरात में लड़ाई है, जो नैरेटिव्स हैं, जिस नैरेटिव्स को, जो तीन कोर एरिया पे जो हमने बात किया, डेवलपमेंट, विकास, भ्रष्टाचार और जो सॉफ्ट हिंदुत्व, जो राहुल गांधी के पूजा पाठ से जोड़कर मैं जिसको कह रहा हूं, क्या इस नैरेटिव, ये चूंकि दोनों राज्यों में चुनाव है, चूंकि मीडिया के माध्यम से अगर आप एक बात कहते हैं तो पूरे देश में पहुंचता है, तो दोनों पार्टियों ने, अमित शाह ने कल जो बात कही कि आप देखिए तीन पीढ़ी यहां पे अमेठी में है और अमेठी में कुछ विकास नहीं हुआ है, और राहुल गांधी जो है इसके लिए थोड़ा विचार करें, सोचें। तो जो जो हमला है वो बिल्कुल, जो मामला है बिल्कुल आमने सामने है। इस आमने सामने मामले में जो नैरेटिव्स हैं वो लोगों को प्रभावित करने के लिए है। तो आपने तीनों चीज को देखा, हिमाचल में और गुजरात में दोनों के लिए सेम ही होगा या आपको लगता है कि दोनों पार्टियों कुछ बदलाव होंगे, स्थानीय मुद्दे को भी उठाए जाएंगे? नहीं, गुजरात और हिमालय की प्रकृति में अंतर है। नहीं, लेकिन जो नैरेटिव्स है उसमें कोई अंतर, पार्टियों की अपनी समस्या है। देखिए, पार्टी कांग्रेस पार्टी का मतलब उसको मालूम है कि हमको हिमाचल प्रदेश में एक बार भाजपा की सरकार आती, एक बार कांग्रेस की सरकार आती रही है, तो कांग्रेस को भी इस बात का आभास है कि हिमाचल की सरकार हमारी जा सकती है। गुजरात में उनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, 1995 से उनकी सरकार है नहीं,
तो इसलिए गुजरात में उनकी कोशिश है कि अगर कुछ हमको प्राप्त हो जाए, जितने हमको पिछली बार वोट थे मान लीजिए उससे थोड़ा बढ़ जाए, 33% वोट था, 34% को 34.5% वोट था उससे थोड़ा बढ़ जाए, या मान लीजिए कुछ हमारे विधायक बढ़ जाएं तो हम इतने से संतुष्ट हो सकते हैं, या अगर हमने धक्का दे दिया तो देखिए एक माहौल बनाने की कोशिश है 2019 के पहले और 2019 के पहले जो 5-7 और विधानसभा चुनाव है उनके पहले कांग्रेस की एक कोशिश है कि नहीं मैं हम लड़ाई में है, वो कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिश के तहत जो एक उचित रणनीति चाहिए जिस प्रकार से बाकी नेताओं में भी जो 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 उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस है कांग्रेस के बाकी नेताओं के पास जो 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 जिन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा जाना चाहिए वो मुद्दे लगभग नदारद दिखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पैद पर चल करके कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है मैं आपको रोकना चाहता हूँ। आप देखिए वहां पे राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी जी सपने को बेचते हैं। हाँ तो वो तो नंबर दो वो कहते हैं कि देखिए वो हर चीज को आगे ले जाते हैं, वो कहते हैं 2022 में आपको ये देंगे, गुजरात में जब बात आएगी तो वो कहेंगे 2025 में हम ये करेंगे, फिर वो तो ये जो उनकी जो शैली है नरेंद्र मोदी को लेके, नरेंद्र मोदी को बिल्कुल निशाने पे रख रहे हैं, अमित शाह को निशाने पे रखते हैं, ये जो पॉलिसी है, ये जो उनका एक अपना नैरेटिव है, ये क्या मतदाताओं को प्रभावित कर पाएगी? उत्तर प्रदेश में सेम भाषा थी कि 2022 का सपना दिखा रहे हैं और सपने बेच दे रहे हैं, एक महीने से ज्यादा के उनके यात्राएं हुए थे, इसके परिणाम नहीं आए। मैं आपको बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी पर अटैक करना इस नाते तो बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी पर को अगर आपको परास्त करना है या कमजोर करना है तो नरेंद्र मोदी को किसी ढंग से उसकी छवि को आपको धूमिल करनी पड़ेगी, छोटी करनी पड़ेगी। लेकिन इन बातों का जवाब नरेंद्र मोदी जाकर जिस ढंग से गुजरात में दिया है, अगर आप उनके दोनों दिन के भाषणों को देख लीजिए, जिस ढंग से उन्होंने बताया है कि हम किसानों के लिए, तो वो समस्या वो है कि उस भाषा में, उस हुंकारात्मक शैली में, उस ओजस्विता में कांग्रेस के उपाध्यक्ष कमजोर पड़ जाते हैं। इसीलिए मतलब अच्छा भाजपा की रणनीति बहुत साफ है कि आने वाले सभी चुनाव को नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी में परिणत करो अगले लोकसभा तक, ताकि भाजपा को एज मिल सके, उसको इससे लाभ मिल रहा है। चलिए हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आनंद रावत जी मौजूद है। आनंद जी, जो भी अवधेश जी का आपने सुना, पुष्पेंद्र जी को भी सुना कि आप जितना मोदी जी पे हमला करेंगे और राहुल गांधी जो भी करेंगे उसको बहुत फायदा आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि आज भी नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत हाई है। मोदी जी केवल सपने बेच रहे हैं और जिस भी राज्य का चुनाव होता है, राहुल गांधी को कोट किया था जी, निसंदेह राहुल जी का ये वक्तव्य था और ये वास्तविकता भी है कि मोदी जी जिस भी राज्य का चुनाव होता है तो कहीं का वो दत्तक पुत्र बन जाते हैं, कहीं का गोद लिया हुआ बेटा बन जाते हैं, कहीं का जैविक पुत्र बन जाते लोग हैं, यकीन कर रहे हैं। तो ठीक है, यकीन कर रहे हैं, वोट मिल रहा है, लेकिन सपने आप कब तक बेचेंगे? और गुजरात ये कहां से देख पा रहे हैं, यकीन कम हो गया, जो पिछला चुनाव हुआ है उसमें तो प्रचंड बहुमत मिला है, बिल्कुल आपने कहा इसलिए मैं कह रहा हूं जी, यकीन कम हो गया। गुजरात का जो चुनाव है वो अपने आप में पूरे देश के सामने एक मॉडल के तौर पर है, क्योंकि गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने 3 बार सपने बेच चुके हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, ये यहां पर बैठे हुए तमाम बुद्धिजीवी पैनल भी इस बात को स्वीकार करेगा कि अब मोदी जी गुजरात में सपने नहीं बेच रहे, अब वो भावनाओं को बेच रहे हैं। अब उनके वक्तव्य को अगर आप सुने, उनके भाषणों को अगर आप सुने, तो वो सब जो यही बात का उल्लेख कर रहे हैं कि गुजरात ने बड़े बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर पर दिए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ भी अन्याय हुआ, मोरारजी देसाई जी को भी पूरा समय नहीं मिल पाया, और आज नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत की सरकार मिली है, तो कहीं गुजरात कमजोर ना पड़ जाए, कहीं फिर से इतिहास की पुनरावृत्ति ना हो जाए, कहीं नरेंद्र मोदी के साथ भी अन्याय ना हो जाए, गुजरात के एक बेटे के साथ तीसरी बार अन्याय ना हो जाए। तो इस तरह के क्या अब वो भावनाओं को बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन गुजरात के लोग बहुत अच्छी तरीके से नरेंद्र मोदी जी की इस कार्यशैली को समझ चुके हैं, और इस विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे वोट के माध्यम से जो उनके सपने बेचने की और अब भावनाओं को बेचने की जो कोशिश है वो विफल होगी। चलिए
पुष्पन जी वो कह रहे हैं कि भावनाओं को देख रहे हैं, सब बेचते हैं, ऐसा नहीं है। भावनाओं को भी हमने देखा है, सोनिया गांधी ने जब मौत का सौदागर कहा था तो वो कोई प्रोजेक्ट नहीं दे रही थी, वो भी भावनाओं से खिलवाड़ कर रही थी। ये बात अलग है कि लेकिन उस समय सपने बेचने का ज्यादा भारी पड़ गया। अभी आपने भावनाओं की बात कही तो मौत के सौदागर से वो किसकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रही थी वो उनको पता है, जहर की खेती से किसकी खिलवाड़ हो रही थी वो भी पता है, खून की दलाली है, ये तमाम भावनाओं की बात है। और इलेक्शन के अंदर अगर कोई ये कहे कि हम साधु हैं, हम मुफ्ती और मौलाना हैं, हम कोई बात ही नहीं करेंगे, तो मैं मानता हूं कि वो इलेक्शन की बात कम कर रहा है और उसको पूजा पाठ और कीर्तन करना चाहिए। इलेक्शन के अंदर हर चीज जो है जीतने के लिए की जाती है, उसमें भावनाएं भी होती हैं, उसमें धर्म भी होता है, उसमें जाति भी होती है, वही कह रहा हूं ना कि जो बात आप कह रहे हैं, जिन भावनाओं की बात आप कह रहे हैं, बिहार में तमाम सारी चीजें चली उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वोट में सबसे नंबर वन रही वहां, इस सबके बावजूद भी कि बिहार के अंदर पूरा सब कुछ किया गया। मैं यह कह रहा हूं कि उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबने यह कहा बिहार रिपीट होगा, बिहार रिपीट होगा, और बिहार की वजह से मोदी बैकफुट पे है। लेकिन बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में वो हुआ जो शायद खुद बीजेपी को भी नहीं पता था। तो मैं यह कह रहा हूं कि अभी इतनी जल्दी उस नतीजे पर पहुंच जाना कि 2019 का कोई ये एक तरीके से वो है, एक क्या कह सकते हैं उसको, क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि उसका हम जनमत होगा और उस पर हम तय करें, मुझे नहीं लगता इसके बाद भी 2018 में चुनाव होने हैं। और जो नीति रणनीति और नेतृत्व का मसला है वहां पे इस वक्त शुरुआत जो दोनों पार्टियां हैं दिल्ली दो चीजें देखें गुजरात में पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 116 सीट मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 60 सीटें मिली थी। और आप हिमाचल प्रदेश में देखें, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को 26 और कांग्रेस को 36 सीटें मिली थी। कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं लगता हिमाचल में कि बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन गुजरात में अंतर है। लेकिन कौन सी ऐसी वजह है विपक्ष के पास, जो बातें दिल्ली में होती हैं, टेलीविजन पे होती हैं, उससे चुनाव नहीं जीते जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी बात चोपड़ा साहब या तमाम विपक्ष पार्टियां जो कह रही हैं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये लोग नरेंद्र मोदी को गुजरात की धरती पे, गुजरात के विकास, गुजरात की कमियों पे कम घेर रहे हैं। ये लोग भी नरेंद्र मोदी के उसी नैरेटिव के ट्रैप में फंस गए हैं जिसकी वजह से गुजरात पे सवाल नहीं खड़ा हो रहा है, गुजरात पे सवाल नहीं खड़ा, विकास पगला गया है तो पूरे देश की बात कर, गुजरात में कहिए क्या क्या नहीं किया आपने, ये बात नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए उठेगी ये उठा नहीं पा रहे हैं, ये उठा नहीं पा रहे, ऐसा नहीं है जी। जो हार्दिक पटेल का आंदोलन है, जो मेवाणी का आंदोलन है, जो गोधरा की जजमेंट है, उससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये बातें उठेंगी और जम के उठेंगी, जम के मैं वही मैं बार बार गोधरा का जजमेंट गोधरा जजमेंट में हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि बाजाप्ता साजिश रच के उस बोगी को जलाया गया और 59 लोगों को मारा गया, केवल उसमें चूंकि मुख्य उसके साजिशकर्ता आपकी पहचान नहीं हो सकी, इसीलिए तो उससे पता चल रहा है ना कि पूरी तरह नहीं हुआ, उसमें मृत्यु दंड को 11 लोगों के मृत्यु दंड को केवल आजीवन कारावास में बदला है। तो गोधरा इस समय फैसला आने से भारतीय जनता पार्टी का सबसे की थी मुझे एक छोटा सा सिर्फ आपसे सवाल है कि इस पूरे लड़ाई में आप क्या देखते हैं, नेतृत्व को लेके जो नेतृत्व है उस पर लड़ाई होगी या जो नैरेटिव है वो भारी रहेगा नेतृत्व के ऊपर? नहीं देखिए गुजरात में कांग्रेस कौन उस नेतृत्व को कह रहा है, गुजरात में जो कांग्रेस है वो आपस में बटी हुई पार्टी है। राज्यसभा चुनाव के पहले हमने देखा कि कैसे लोग पार्टी छोड़कर जा रहे थे। इस समय जो राहुल गांधी का सबसे बड़ा दायित्व तो होना चाहिए वो ये है कि गुजरात कांग्रेस को ये करना, जो हो नहीं रहा है, जिले जिले में पार्टी टूट रही है, लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं भाषण के बावजूद। तो अब लीडरशिप गुजरात के लोग देखेंगे, लीडरशिप नरेंद्र मोदी को देखेंगे, लीडरशिप राहुल गांधी को देखेंगे। इसका जवाब आनंद रावत दे सकते हैं, कहीं नहीं थी और मैं कहूंगा अहमद पटेल के चुनाव ने दिखा दिया है पब्लिक नहीं जीती पॉलिटिकल कैडर की बात कर रहे हैं। समय बहुत कम है, एक तरफ राहुल गांधी हमलावर हो रहे हैं और पार्टी से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो बात अवधेश जी कह रहे हैं आनंद रावत जी, फिर उसको कैसे देखेंगे, कैसे जीतेंगे आप? ये अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव नहीं है, यहाँ तो जनमत, यहाँ तो लोग वोट डालेंगे और आपके पार्टी के लोग अगर पार्टी छोड़ के जाएंगे तो फिर इस नैरेटिव का क्या मतलब होगा जो आप गढ़ रहे हैं? हार्दिक का ग्रुप जी और नरेंद्र मोदी यही कहना चाहते हैं जी, आप राज्य
राज्यसभा चुनाव के दौरान में कुछ मौका परस्त विधायकों को खरीद सकते हैं, लेकिन ये जनता का चुनाव है, यहाँ पर जनता गुप्त मतदान के माध्यम से आपको आईना दिखा देगी। तो यहाँ पर हमारा भी यही कहना है, नेता छोड़ के जा रहे हैं उसके बारे में, मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए कुछ मौका परस्त लोग, ये तो कांग्रेस और बीजेपी में तमाम इस तरह के मौका परस्त लोग होते हैं जिनकी राजनीतिक न कोई सोच होती है, बस मौका परस्ती उनके लिए सबसे बड़ा राजनीति भाई, वो मौका परस्त लोग ही भगवान हो जाते हैं दोनों पार्टियों के लिए। अब आप भी उनके लोगों को भगवान समझ के लेते हैं और वो भी ले रहे हैं, तो मौका परस्त दोनों के लिए बराबर है। जगदम्बिका पाल जी जब कांग्रेस में थे, या लेकिन वो तो मौका पे जब कांग्रेस में थी, आप देखिए ना उत्तराखंड में उससे परिणाम प्रभावित हुआ या नहीं हुआ, तो मौका परस्त लोग सभी जगह होते हैं। उत्तराखंड में तो पूरी कांग्रेस चली गई, इसीलिए तो आज स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। तो मौका परस्त तो इंपॉर्टेंट नहीं होता, चुनाव जीतना इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अवधेश जी, पुष्पन जी, एक बात समझिएगा, चलिए, भारतीय जनता पार्टी जहां पे चाल चेहरा और चरित्र की बात करती है, लेकिन इस तरीके से दल बदलों को और दल बदल को प्रोत्साहित करती है, तो उनका चाल चेहरा और चरित्र साफ, उससे उनका चेहरा ज्यादा साफ होता है जो सेक्युलरिज्म के नाम पे दुनिया भर में पारेंट करते हैं। भाई ये कम्युनल पार्टी है, हमसे कम नहीं। आनंद जी, पुष्पेन जी, सुनील चोपड़ा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय खत्म हो गया, माफी चाहते हैं, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।